देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीख रही है कि वो इस तरह के विवाद पैदा करती है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया था, उसमें इस बात को कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी स्थिति किसी भी मंदिर मस्जिद की धर्मस्थल की है वो उसी तरह रहेगी, उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव की मांग के लिए अगर कोई कोर्ट जाता है तो उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी ट्रिब्यूनल में किसी प्राधिकार में भी इसकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। उस कानून में यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 1 साल से लेकर 3 साल तक सजा का प्रावधान है। सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो निचली अदालतें हैं, जैसे इस मामले में आप बनारस के निचली अदालत को देख सकते हैं या कई जगहों पर हाई कोर्ट तक का भी एक रवैया जो रहा है वो इस कानून के खिलाफ है, जो साबित करता है कि इस देश में न्यायपालिका का एक हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी मानने से इनकार कर रहा है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।